जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है बालीगंज असेंबली में। आपको पता ही है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में गर्मियां बढ़ रही है, एक और दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मियां सर चढ़ के बोल रही है। जी हाँ, बालीगंज असेंबली जो बाईपोल इलेक्शन है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन सीट के तौर पे देखा जा रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीपीआईएम के कैंडिडेट जो कि बालीगंज असेंबली से हैं, मेरी मुराद है सायरा शाह हलीम जी से। वो एक एडुकेटर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पीस एक्टिविस्ट के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर जनाब नसरुद्दीन शाह, उनकी भतीजी भी हैं और रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फुआद हलीम की वाइफ। उन्हें सब जानते हैं किस तरह वो ज़मीनी सतह पर रह के काम करते हैं। सीधी बात आपकी करवाते हैं सायरा शाह हलीम जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले जी, सबसे पहले गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार मैम। कैंपेन के दौरान किस तरह का प्यार आपको लोग की तरफ से देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी फ़िलहाल रिस्पांस अच्छा ही है। जितने वार्ड्स में गई हूँ, जो डोर टू डोर चल रहा है, अभी शाम को मेरा फिर वो 6 बजे से थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो अब तक अच्छा ही रिस्पांस है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छा रिस्पांस मिले। जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है उसको देख के क्या लगता है जो जनता है इस बार वोट जो है किस तरफ देने वाली है, और आपकी तरफ जिस तरह का प्यार जनता बरसा रही है उससे आपको महसूस होता है कि जनता आपको वोट देगी? जी, मुझे तो पूरी उम्मीद है जनता मुझे ही वोट देगी, क्योंकि हालात जो पिछली विधानसभा के का चुनाव हुआ था उधर हालात अलग थे। तब सरकार बिगाड़ने, सरकार गिराने का इलेक्शन जो होता है वो नहीं है। ये अभी एक आपके अच्छे कैंडिडेट पर्सनल जो होते हैं, जो अबव पार्टी लाइन्स हों, उनको चूज़ करने का है, जो उनके बीच काम करे और उनके मसले समझे और उनको सुलझाए, तो वो ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो दल नहीं बदल रहे हों, जो वहीं पे रहें, जो ज़मीन के लोगों के साथ जुड़े हों। तो इस चुनाव में क्योंकि बायपोल है, ये अलग उन लोगों का एक रवैया रहता है, एक अलग तरह से ये लोग सोचते हैं, और सरकार गिरा नहीं रहा कोई, ये एक सीट की बात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे लोग जो हैं पर्सनल कैंडिडेचर को भी देखेंगे। मैम, कांग्रेस से कमरुज़मा चौधरी, टीएमसी से बाबुल सुप्रियो, महिला कैंडिडेट में बीजेपी से केया घोष और एक तरफ आप, आपको क्या लगता है मैम कौन टफ कंटेंडर के रूप में आपके सामने? देखिए, मुझे तो लगता है मैं दो बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रही हूँ। एक जो हैं जो फिलहाल कुछ महीने पहले बीजेपी ही में थे, पूरी भरपूर आइडियोलॉजी वहीं से भर के आई है, तो कोई डिफरेंस नहीं है टीएमसी और बीजेपी में अभी फिलहाल। तो मुझे तो लगता है मैं दो बीजेपी कैंडिडेट के साथ अभी इलेक्शन लड़ रही हूँ, और बाकी कांग्रेस के तो अभी फिलहाल कोई वजूद नहीं है बंगाल में। जी, बाबुल सुप्रियो को टीएमसी की तरफ से नॉमिनेट किया गया, टिकट दे गया, क्या कहेंगी मैम? देखिए, जनता बेहतर जानती है, आप जनता से बाहर जाके इंटरव्यू ले लीजिए, वो आपको बता देगी उनकी पसंदी नापसंदी, उनको ये कैंडिडेट ये पसंद है या नहीं, वो बेहतर जानती है। जी मैम, आप एक महिला हैं, महिला वोटर्स लगभग इस असेंबली में 1,15,000 के करीब हैं और शेड्यूल कास्ट 3.13%। आप एक महिला भी हैं, महिलाओं के लिए अगर आप जीतती हैं तो क्या काम करेंगे आगे? देखिए, मैंने जो है महिलाओं की खुद मुख्तारी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सालों से काम किया हुआ है। कोई भी इशू रहा हो, विमेन ये हिजाब बैन से लेकर ये जो ट्रिपल तलाक हुआ या कोई भी अहम मुद्दा, NRCCA का जब आंदोलन चल रहा था सबसे आगे मेरी आवाज़ रही है, पाक सर्किल से लेकर दिल्ली चला चला कर मैं सबके हक के लिए लड़ी हूँ, और हर मीडिया पैनल में, हर प्रोग्राम में, हर सेमिनार में, ज़मीन पे लेके, आंदोलन से लेके, हर जगह मैंने एक भूमिका निभाई है। तो मुझे आशा है कि जो मेरी जो विमेन वोटर्स हैं मेरा साथ देंगी, क्योंकि मैं एक नारी भी नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ 2 बच्चियों की, तो उनको पता है कि कितना चैलेंजिंग, कितना कठिन होता है, लेकिन तब भी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ ये सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के अगेंस्ट। जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जिस तरह से देखा गया है कि वुमेंस के लिए ख़ास तौर पे काम करते हुए आती हैं, और आप जब जा रही हैं कैंपेन के दौरान, आप में जब लोग आते हैं, टीएमसी को कहा जाता है कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया गया था, तो आप जब इलाके में कैंपेन के लिए जा रही हैं
तो आपको श्रीमती ममता बनर्जी का क्या डेवलपमेंट दिखता है और आपको क्या कमी दिखती है जो इस असेंबली में जरूरत है, जो आप काम करेंगे आने के? देखिए, डेवलपमेंट तो हुआ है, जैसे अगर रोड और ये सब देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर वो हुआ है, लेकिन अभी जो है कोई इस तरह का कोई ममता बनर्जी वेव नहीं है, क्योंकि पिछले जो हमें देखा था, क्योंकि अनीश खान का आप देख लीजिए, बिरहूम में जो घटना हुई वो देख लीजिए, या आप रोज़ देख लीजिए करप्शन के जो चार्जेस हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन के चार्जेस हो रहे हैं, और यहाँ पे रोज़ पर दिन कितने करप्शन के चार्जेस हो रहे हैं, और बहुत लोकल एरियाज़ में ठीक तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो सब समस्याएं हैं जी। तो आप जीत करके आएंगी तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप सबसे पहले फिक्स करना चाहेंगी? यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, रोड है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, स्कूल, तालीम के मुद्दे हैं, इल्म के मुद्दे हैं, बच्चे 2 साल से गए नहीं हैं स्कूल, तो वो ट्रांजिशन देखना है कि ऑनलाइन से कैसे हम लोग इनको स्कूलों में वापस एक सुरक्षित माहौल में लेके जा सके, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है 12 से 15 की, वो एक अच्छे तरीके से हो जाए ताकि बच्चे जो हैं अपने क्लासरूम में एक महफूज फील करें। मैम, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह से अभी विपक्ष की पार्टियाँ जो हैं लगातार टीएमसी गवर्नमेंट को, ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए आ रही है कानून व्यवस्था को लेकर के, हाल ही में अनीश खान का मर्डर, फिर पानीहाटी, मुर्शिदाबाद और उसके बाद बीरभूम में जो वायलेंस हुआ, इसको आप किस तरह से देखती हैं और क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी जब चुनाव जीत के आई थी वो माइनॉरिटीज़ का साथ था उनका, वो उनको बहुमत से जिताए थे, लेकिन अगर आप वो उन्हीं माइनॉरिटीज़ के हक के लिए नहीं लड़ेंगी, आर्टिकल ये 370 में कहाँ आवाज़ उठाए, ये लोग चुप थे। फिर ये शाहरुख खान का बेटा को लेके गए, वो इतना ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक स्टेटमेंट नहीं आई। मैंने हर प्लेटफॉर्म में लिखा, शाहरुख खान के बेटे को जब जेल हो रहा था तो बहुत मुद्दे हैं, आनिस खान की जो ये हत्या हुई, कितने दिन तक कोई नहीं गया, कोई पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 40 दिन से ऊपर, तो अभी आप 40 दिन के ऊपर से जाएंगे तो लोग तो वो पसंद नहीं करेंगे ना, क्योंकि जब होती है हादसा, जब होता है उसी वक्त जाके फैमिली को सपोर्ट देना चाहिए, वो नहीं रहा। कोलकाता के मेयर देखा गया कि जब वहाँ गए 40वें के दिन टोपी लगा के वहाँ जैसे पहुँचे तभी गो बैक का नारा लगा दिया गया, उन्हें वापस भेजा दिया गया। अब ये मैं क्या बोलूँगी, मतलब यही है कि पहले चले जाना चाहिए था, क्योंकि जब हादसा होता है उसी वक्त एक सपोर्ट देना चाहिए फैमिली को। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप सुन रहे थे सायरा शाह हलीम को, जिनका साफ साफ कहना है कि लोग उन्हें बेपनाह मोहब्बत से नवाज रहे हैं जब वो कैंपेन की तरफ जा रही हैं, और जब कैंपेन के दौरान जो डेवलपमेंट्स इनके नज़र में आती है, अगर वो जीत के आएंगी तो वो बेशक उन पर काम करेंगी, उस पर खड़ी उतरने की कोशिश करेंगी, और जिस तरह से उन्होंने कहा हाई प्रोफाइल सीट के लिए जिस तरह से उनके साथ कैंडिडेट्स अगेंस्ट में हैं, उसके साथ वो उनको ऐसा लगता नहीं है कि एक तरह के कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के साथ उनकी लड़ाई हो रही है। इससे जुड़ी हुई बालीगंज असेंबली से जुड़ी हुई बातों को द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप तक और पहुंचाएगी। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं नाज़िश फराज, धन्यवाद।